हेलो फ्रेंड्स, नूतन स्वर डीएम के आप सबों का स्वागत करती है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आप सबों के लिए यहां पे मलाई केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है, बहुत यमी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद किसी मलाई रसमलाई से कम नहीं होती है और ये बहुत ही इजी वे में आप घर में बना सकते हैं। ये आप मिठाई भी कह सकते हैं, रसमलाई कह सकते हैं, मलाई केक कह सकते हैं, खाने में बहुत यमी होती है। विश्वास मानिए, यदि आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बना। इसे बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया हुआ है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, डीप कढ़ाई ले सकते हैं। इस तरह से मैंने बड़ा सा डीप बर्तन लिया हुआ है जिसमें मैंने डेढ़ गिलास मैंने यहाँ पानी डाल दिया है और उसमें कोई भी स्टैंड आप रख सकते हैं या फिर आप प्लेट रख सकते हैं। मैं यहाँ प्लेट रख के ही आज बना रही हूँ, तो ये देखिए प्लेट मैंने इस पर रख दिया है और इसे मैं प्री हीट होने के लिए रख दे रही हूँ करीब 15 मिनट लो फ्लेम में। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया हुआ है और उसमें मैंने करीब 1/3 कप कुकिंग ऑयल लिया है, आप रिफाइन ऑयल ले सकते हैं, और 1/3 कप मैंने यहाँ दही लिया है, दही घर की ही है जमाई हुई है, और 1/2 कप मैंने पाउडर शुगर लिया हुआ है। चीनी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है और ये सभी को अब क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ मैं इसे। फ्रेंड अच्छे से मिक्स करना है, ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब क्या करना है, इसे मैं छान ले रही हूँ। अब छानने में हमें क्या क्या लेना है, 1 कप मैंने यहाँ मैदा लिया है, 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टीस्पून आपको लेना है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा लेना है। ये देखिए फ्रेंड, आप इसी हिसाब से करेंगे तो आपकी मिठाई बहुत अच्छी बनेगी। अब इसे मैं अच्छे से छान ले रही हूँ और ये देखिए मैंने अच्छे से छान लिया है और अब क्या करना है, इसे मिलाना है, अच्छे से मिला लीजिएगा। आपको इस चीज़ का यहाँ ध्यान रखनी है कि आपको एक ही डायरेक्शन में इसे मिलाना है तो आपकी मिठाई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनेगी। ये देखिए इसे एक ही डायरेक्शन में मैंने इसे मिला लिया और अब मैं यहाँ पे दूध ऐड कर रही हूँ। दूध आपको कितना लेना है, 1/2 कप और 4 चम्मच उसमें ऐड करके और ले लेनी है। तो 1/2 कप मैंने अभी दूध डाला है, थोड़ा सा डाला है और थोड़ा बाकी है डालना, तो इसे पहले मैं मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। तो इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट रेडी करनी है हमें, तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ और जो 4 चम्मच मैंने अलग से लिया है वो भी मैं अभी डाल दी और ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और बहुत ही स्मूथ पेस्ट रेडी करनी है। ये देखिए ये स्मूथ पेस्ट रेडी हो चुकी है, दूध भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब क्या करनी है, यहाँ पर हमें इसे केक टिन रेडी करनी है। केक टिन में मैंने अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है और इसे अच्छे से मैं इसमें डाल के हल्का सा टैप कर ले रही हूँ और टैप करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो प्री हीट होने के लिए मैंने कढ़ाई रखा हुआ था उसमें मैं इस केक टिन को मैं डाल दे रही हूँ और इसे ढक करके करीब 30 मिनट लो फ्लेम में बना लेना है। 30 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये कितनी फ्लफी फूली फूली हमारी ये केक रेडी हो चुकी है। ये देखिए अब ये पूरी तरह से बन चुकी है, मैं स्टिक से चेक कर रही हूँ और अब मैं चलिए मलाई तैयार कर रही हूँ। मलाई बनाने के लिए, रस मलाई बनाने के लिए 1 लीटर मैंने यहाँ फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है और मैंने इसे कढ़ाई में, बड़ा सा कढ़ाई में इसे गरम ले लिया है और इसे मैं अच्छे से गर्म करूँगी। अब देखिए उबाल आने लगी है इस दूध में, तो अब मैं यहाँ पे केसर वाटर मिला दे रही हूँ। केसर दूध में मैंने थोड़ा सा केसर डाल दिया था और वही दूध मैंने इसमें डाल दिया है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी आधी ना हो जाए और यहाँ आधे होने तक हमें पकाते रहना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 से 3.5 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी ऐड किया है और थोड़ा सा इलायची क्रश करके डाल दिया है, आप अपने हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये रेडी है, तो अब इसे ज़रा सा मैं ठंडा कर लूँगी। तो अब चलिए केक की तरफ, केक हमारी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। ये केक को मैं दिखा रही हूँ आपको, ये केक अच्छे से ठंडा हो चुकी है, बहुत ही फ्लफी बनी है। ये देखिए फ्रेंड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये केक बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है। इतनी इसी तरह से फ्लफी केक आप बना लीजिएगा और इसे एक प्लेट में मैं रख रही हूँ, ये देखिए। तो इसे मैं पलट के रख दी हूँ अभी और इसके हेल्प से मैंने यहाँ पोप कर दिया इसमें।
अच्छे से इसे सब जगह से हल्का हल्का इसे प्रेस करते हुए इसमें इस तरह से होल कर लेने हैं ताकि इसमें जो मैं रसमलाई डालूं उसमें वो अच्छे से अब्सॉर्ब कर सके। तो अब मैं जो रसमलाई रेडी करके रखी हुई हूँ उसे मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। इस तरह से देखिए सभी रसमलाई को मैंने इसमें डाल दिया और ऊपर से मैं फिर से फॉक के हेल्प से मैं इसे होल्ड कर दे रही हूँ। हल्का हल्का आपको फॉक के हेल्प से कर देनी है, इसे पोक कर देनी है और इसे मैं फिर से थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें रबड़ी मलाई रसमलाई डाल रही हूँ और इसमें अब मैं इसे गार्निशिंग कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स से। आप भी कुछ भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब ये पूरी तरह से रेडी है खाने के लिए, तो अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाऊंगी। तो पहले हमें इसे कट करना होगा, तो ये देखिए मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ आपको। ये अच्छे से मैंने कट कर लिया है, अब इसे मैं आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो पहले मैं यहाँ साइड से मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए देखिए कितनी फ्लफी बनी है और इसमें अच्छे से रसमलाई अभी इसमें एब्जॉर्ब करना बाकी है। तो 3-4 घंटा आप इसे फ्रीज में रख दें, उसके बाद ही आप इसे निकाल के देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी मिठाई के रूप में आ जाएगी। अब ये देखिए मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ एक प्लेट में और इसमें मैं ज़रा सा रबड़ी ऊपर से डाल दे रही हूँ, रबड़ी रसमलाई। और ये देखिए हमारी ये टेस्टी टेस्टी मलाई केक रेडी है। अब इसे मैं कट कट के दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट कितनी फ्लफी बनी हुई है। ये देखिए फ्रेंड बहुत ही डिलीशियस ये मिठाई बन के रेडी होती है, आप भी इसे जरूर बनाएं, मुझे विश्वास है आप सबों को बहुत पसंद आएगी ये मिठाई, किसी रसमलाई से कम नहीं लगती है। तो देखा फ्रेंड कितना आसानी से मैंने यहाँ पे रसमलाई केक मलाई केक बना लिया है। तो आप भी इसे बनाएं, कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपकी रसमलाई कैसी बनी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर करें। सो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।